तो कैसे हो भाई साहब? मेरा नाम राज, आप सभी लोग देख रहे हैं टेकी भाई साहब। क्या आपके पास एक ऐसा सिम कार्ड है जिसे आप महज जिंदा रखते हो या फिर कह लो एक्टिव रखते हो, चाहे वो सिम कार्ड जियो का हो, चाहे वो सिम कार्ड बीएसएनएल का हो, चाहे वो सिम कार्ड एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया का हो, जस्ट आप उसे यूज करते हो, वो नंबर आपका बहुत जगहों में दिया हुआ है और ऐसे में आप उस नंबर को बदल नहीं सकते हो और उसे आप एक्टिव रखते हो फॉर इनकमिंग कॉल्स एंड मैसेजेस, तो ऐसे में आपको बहुत सारे रिचार्जेस करने पड़ते हैं, यानी कि मंथली एटलीस्ट आपको 28 दिनों के लिए एक मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता है उस नंबर को एक्टिव रखने के लिए। तो ऐसे में आपको बहुत सारे पैसे आपके खर्च हो जाते हैं अगर आप कंपेयर करो हमारे बताए हुए प्लान से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा सिम कार्ड है जिसे आप महज एक्टिव रखते हो और उस पर कोई भी अदर काम नहीं करते हो, कॉल्स वगैरह नहीं करते हो, जस्ट उसे आप इनकमिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हो, तो ऐसे में आप उस नंबर को बहुत कम पैसे में कैसे एक्टिव रख सकते हो। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बीएसएनएल के एक प्लान के बारे में जहां पर आप 365 रुपए में 365 दिनों की वैधता का लाभ उठा सकते हो। तो भाई साहब, अगर आपके पास एक ऐसा सिम कार्ड है जो कि आप उसे ओनली एक्टिव रखते हो फॉर इनकमिंग पर्पस और उस पर दूसरा कुछ भी यूज नहीं करते हो, चाहे वो सिम कार्ड एयरटेल का हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो या फिर जियो हो या फिर बीएसएनएल हो, अगर बीएसएनएल छोड़ के किसी भी दूसरा कंपनी का सिम कार्ड है तो आप उसे सिंपली बीएसएनएल में पोर्ट कर लो। और क्यों पोर्ट कर लो ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, अदर नेटवर्क में अगर आप रिचार्ज करते हो मिनिमम तो आपको एटलीस्ट 49 रुपीस खर्च करने पड़ते हैं फॉर 28 डेज। तो 28 दिनों में अगर आप 50 रुपये खर्च करते हो तो पूरे साल में आप जोड़ दो यहाँ पर कितना सारा पैसा आपका खत्म होता है। और अगर आप उसे बीएसएनएल में पोर्ट करते हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, सॉरी, चाहे वो जियो हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो या फिर आपका एयरटेल हो, अगर आप उसे बीएसएनएल में पोर्ट कर लोगे, साथ ही साथ अगर उस पर आप 365 रुपये का रिचार्ज कर लोगे तो उसे आप 365 दिनों के लिए एक्टिव रख पाओगे एक रुपया का डेली के हिसाब से। अगर आप सोच लो एक रुपया आपका डेली जा रहा है जस्ट उसे एक्टिव रखने में, तो सोच लो भाई फ्री का ही हमारा हो जा रहा है। तो बीएसएनएल की तरफ से 365 रुपये का रिचार्ज आता है जो कि नंबर को एक्टिव रखने के लिए सबसे बेस्ट है और फिलहाल हमारे देश में मैक्सिमम सर्कल्स में इस प्लान को अवेलेबल कर दिया गया है। तो बीएसएनएल की तरफ से जो 365 रुपए का प्लान आता है ये 2G 3G में वैलिड है और इस प्लान में आपको टोटल 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। बस इतना ही नहीं, खाली वैलिडिटी यहां पर नहीं मिलता है, आपको रोजाना 2GB का हाई स्पीड डेटा मिलेगा जो कि 2G 3G में आप यूज कर पाओगे, हाई स्पीड का हो तो इसका इनका 3G में आप यूज कर पाओगे। साथ ही साथ आपको यहां पर 250 मिनट का डेली कॉलिंग लिमिट मिल जाता है, 250 मिनट आप यहां पर डेली बात कर पाओगे, रोजाना 100 SMS सेंड कर पाओगे। और आपको यहां पर क्या चाहिए, डेली 2GB का डेटा मिल रहा है, डेटा खत्म होने के बाद आपका स्पीड घटकर 80 KBPS का हो जाएगा, 250 मिनट तक आप देश में किसी भी नेटवर्क में बात कर सकते हो लोकल एसटीडी, और साथ ही साथ SMS भी आपको यहां पर मिल जा रहा है। लेकिन ये जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ये आपको 60 दिनों के लिए मिलेंगे, मानो आज आपने रिचार्ज करा तो आज से लेके 60 डेज तक यहां पर आपको ये 2GB वाला यहां पर बेनिफिट मिलेगा डेली, और 60 डेज के बाद ये सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, जस्ट आपका इनकमिंग वैलिडिटी मिलेगा। मतलब सोच लो कि 365 रुपये में आपको रोजाना 2GB वाला प्लान मिल रहा है 60 दिनों के लिए और बाकी का यहां पर 10 महीना आपको यहां पर मुफ्त में वैलिडिटी मिल रहा है। तो ये प्लान बेस्ट प्लान होगा अगर आपको अपना नंबर एक्टिव रखना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप अगर यूज भी करते हो स्टार्टिंग में तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर प्लान होने वाला है बीएसएनएल की तरफ से। और ये 2021 का अपडेट है, अभी भी फिलहाल भी बेनिफिट्स यहां पर वही सिम का सेम ही है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसा सिम कार्ड है जिसे आप नॉर्मली एक्टिव रखते हो इनकमिंग के लिए तो बीएसएनएल में पोर्ट कर लो और उसमें आप 365 रुपए का रिचार्ज कर लो। ये प्लान मैक्सिमम सर्कल्स में अवेलेबल है, आप बीएसएनएल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि ये आपके सर्कल में एक्टिव है कि नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, अच्छा नहीं लगता तो बताओ यार अभी हमें और क्या क्या यहां पर चेंजेस करने हैं, हम उस पर जरूर काम करेंगे। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता को फ्रेश नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।